हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने ही AKM टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ध्यान दें, वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसको मैं इस वीडियो के सबसे पहले ही बता दे रहा हूं, कृपया मेरी इस बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों जैसा कि आज 11 सितंबर है और मैं आपको बता दूं कि आज मल्टी प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से अभी एक कॉल रिकॉर्डिंग लिखन करा रहे हैं जो कि आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर सही सही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों आज और अभी का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अभी तुरंत ही एक लाइक ठोक दीजिए। तो दोस्तों मल्टी प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से एक कॉल रिकॉर्डिंग आ रहा है जो कि आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर सही सही मिलेगा। और दोस्तों आपको भी पता चल जाएगा कि कंपनी क्यों रिन्यूअल नहीं दे रही है और कब देगी, और कंपनी पर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा है और कब होगा। और दोस्तों आपके हर एक प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो में सब मिल जाएगा। तो दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा अंत तक सुनिए और आगे अब क्या होने वाला है इसका भी खुलासा इस वीडियो के माध्यम से होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखना है ताकि पूरा वीडियो आपको समझ आ जाए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मैं मल्टी प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड कोई भी वीडियो और न्यू अपडेट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूं, तो आप सुन सकते हैं। हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ था रात भर साला, जो है हम बस के धक्का खाते हुए आए हैं साला। अरे तो आप तो बोले थे ना, आप ही तो बोले थे। अरे भैया ये बताओ, जैसे हाँ 2 बजे चार्ज जाएगा तो फंसा दिया रास्ते में साला, जाम में साला फंसा दिया तो क्या करे उसमें। हाँ हाँ अभी बताइए वो सर, नेक्स्ट प्लानिंग बताइए। मान लीजिए बात नहीं हुई, ये बड़ा विषय नहीं है, चलिए। लेकिन अभी जो सैकड़ों लोगों का फोन आ रहा है ना, आप तो उसी को विषय बना देते हैं ना। जैसे मैंने कॉल किया आपको, इस बात से आपको सहमत होना चाहिए कि हाँ चलिए 2 बजे 5 बजे फोन आया तो कोई रीजन रहा होगा। नहीं रीजन रहा होगा एक तो एकदम इसे सारा दिमाग खराब है, आप बिना मतलब की बात पतंगा बना देते हैं। अरे यार आप इतना बता रहे हैं, मेरा दिमाग नहीं खराब है क्या? सबका खराब है भैया, सबका खराब है। तो वही कह रहे हैं कि मुद्दे की बात किया जाए ना, अब उसमें इतना बड़ा इशू नहीं है वो। मैं अभी भी किसी का फोन रिसीव नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। कुल मिला मेरी बात सुनिए, देखिए कुल मिला के अब MD साहब क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले उससे हमें मतलब नहीं है। कल की जो उनकी आईडी वायरल हुई है कि पुलिस आ गई है, उनको लेके गई कि नहीं लेके गई कुछ पता नहीं किसी को। अरे आप तो वहीं से आ रहे हैं ना। अरे भैया भैया आप कहाँ से चल के आ रहे हैं? हम तो वहीं से आ रहे हैं, मेरे साथ ही सुन तो लीजिए मेरे साथ ही बैठे थे, बात हो रही थी, कह रहे थे अभी मेरा अकाउंट ओपन नहीं हुआ है, कल तक मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, अब डेवलपर से कल जाके मिलेंगे, बातचीत करेंगे कैसे इसका रास्ता निकाला जाए, क्या करना है। तो इनके घर से फोन आया इनके वाइफ का कि पुलिस आई है नीचे आपको पूछ रही है। हाँ। तुरंत चले गए कि अभी हम आपको 1 घंटे में बता रहे हैं, देखिए क्या बात है। उसके बाद से ये गए हैं, उसके बाद से नंबर ऑन नहीं हुआ आज तक, अभी तक नंबर ऑन नहीं हुआ। कुल मिला के देखो सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, ठीक है। कल लखनऊ हम सुल्तानपुर की टीम बुला रहे हैं, लखनऊ की टीम है और कुछ लीडरों को बुला रहे हैं। कहाँ? ठीक है लखनऊ में, यही हाई कोर्ट में जो भी करना होगा फाइल कर दिया जाएगा। आप बताइए इतना दूर से लखनऊ हम लोग कैसे आएंगे? जैसे कैसे आएंगे लखनऊ बताइए। शिवराम वर्मा जी से बोलिए ना आ जाएं, 4-5 लोग तो आ ही जाएंगे ना। अरे शिवराम वर्मा आपके जस्ट लीडर हैं, बताइए शिवराम वर्मा से हम बोले। चलिए हम बात कर ले रहे हैं शिवराम वर्मा जी से, आप बात करिए शिवराम वर्मा से, कल लेके चले सबको। शिवराम वर्मा जी हो जाए, रामजीत वर्मा जी हो जाए। रामजीत वर्मा ने नंबर चेंज किया है क्या? उनका नंबर ही नहीं लगता है। अरे क्या बात कर रहे हैं, उसी नंबर पे बात हो रही है सबसे। कल उनका लगा नहीं, कौन वाला नंबर है? हाँ कौन वाला नंबर है बताइए। 91-19-820-411 यहाँ पर कहिए तो मैं बात करा दूँ, अकबरपुर में बैठा हूँ, सब उसी उधड़ बुन में लगे हुए हैं सब, कैसे क्या किया जाए। हाँ बात कराइए। हाँ सर जी हेलो, ए
हेलो। हाँ एक मिनट सर, आ रहा है। हेलो यार, सर से बात हो रही है, वही कह रहे हैं कि शिवराम वर्मा जी से कह दो सबको लिवा के आ जाए। तो हम कह रहे आपके जस्ट डाउन लाइन बताइए, हम कहेंगे हमको मिलाइए। हाँ तो वो मिलाने वाले थे, हम कहे हाँ बात कर लीजिए, कुछ मैटर है बतिया लीजिए। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, हमको लगता है पानी सब तो ऊपर जा रहा है, ठीक है? क्या हुआ सर? हेलो, हमको लग रहा है सर जी पानी सर तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि कोई भी कमिटमेंट इनका सही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा जी। हाँ 11-12 तारीख तक बोल के लोगों को रोका गया, 5 तारीख तक रोका गया, 12 तारीख तक लोग रुके हैं, लेकिन कल से उग्र हो जाएंगे लोग और पीछे जाएंगे हम। कुल मिला के एक्शन लेना बहुत जरूरी है। कल हम इसीलिए हम इनके पास गए थे, इसीलिए हम गए थे कि जो भी है मैटर यह है। कहाँ मौके पे? ये मौके पे कल मेरे साथ 6 बजे आए, ठीक है? अपना तो लोकेशन बताते नहीं है। हाँ हाँ। हमको गए आप कहीं होटल में रुकिए, हम आ रहे हैं। कहाँ? फैजाबाद? नहीं नहीं, दिल्ली। अच्छा दिल्ली में। हाँ तो आए कल शाम को 6 बजे, आधा घंटा बातचीत हुई। जैसे इन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ये बात हम सबको बता नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने साइट पे डाल दिया था कि अकाउंट ओपन हो गया है और रिचार्ज चालू हो जाएगा, लेकिन अकाउंट वास्तव में ओपन नहीं हुआ है, लेकिन हमने 400-500 नंबर अलग से व्यवस्था करके रिचार्ज करवा दिया, ठीक है? और ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। बाकी कल अकाउंट आज के लिए बोल रहे थे कि आज अकाउंट ओपन हो जाने की उम्मीद है पूरी, उसके बाद हम रिचार्ज करना शुरू कर देंगे। और कल डेवलपर के पास आज मतलब कल बात हो रही थी, कल डेवलपर के पास जाएंगे, उससे इसे फिल्टर करा लेंगे कि जिसका जिसका एक रिचार्ज, दो रिचार्ज, तीन रिचार्ज का जो मामला उसको पहले करवा देंगे। बाकी जो 3-3, 4-4, 5-5 रिचार्ज, 6-6 रिचार्ज ले चुके हैं वो बाद में होंगे, क्योंकि एक साथ इतने नंबर हो नहीं पाएंगे। तो सारा मैटर हुआ, उसके बाद उनके घर से फोन आया वाइस का। अच्छा। साथ में बैठे थे, फोन आया, वाइस उनकी बोली कि जो है यहाँ पुलिस आई है नीचे, आपको पूछ रही है। अभी हम बका गए, हमसे कहे कि जो है हम जा रहे हैं, देखे क्या मामला है, हम आपको जैसा होता है रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद से मोबाइल बंद है, अभी तक ऑन नहीं हुआ। हम कह रहे पुलिस कस्टडी में भी होते तो पुलिस मोबाइल तो देती है ना, वकील से बात करने के लिए या घर पे बात करने के लिए, या किसी लीडर को बता दे देना चाहिए इनको। हाँ? कि भाई हम कस्टडी में हो गए हैं या ऐसा मामला है। अब सही बात पता ही नहीं चल, एक आरडीओ इनकी किसी जैसे जा रहे होंगे तो किसी लीडर ने इनको फोन किया, कमलेश नाम है बिहार का, तो उससे भी उन्होंने एक कहा कि भाई पुलिस आ गई, हम जा रहे हैं और हम पूरा हम सबको देंगे, परेशान मत होइए। वो ऑडियो पता नहीं आप लोग तक पहुंची कि नहीं पहुंची, वो ऑडियो हम दे रहे हैं। कुल मिला के यहाँ लखनऊ के कुछ लीडर हैं, सुल्तानपुर से कुछ लीडर आ रहे हैं और बाहर के भी कुछ लीडर हैं, सब लीडर साथ में हैं मेरे, क्योंकि सभी जानते हैं कि मेरा योगदान लोगों के सपोर्ट के लिए। तो हम भी जानते हैं कि आपका योगदान केवल मेहनत का था, बस आपने मेहनत किया है। आज उसी का हम खामियाजा आप लोग बस साथ दीजिए सर जी, नहीं तो बहुत लोग जो इस तरह से फंसाने पे लगे क्या होता है। अरे इसमें रात दिन एक कर दिया मैंने खाली लोगों की सर्विस के लिए, एक पैसा हराम है कि अगर हमको पंकज ने दिया हो, बल्कि मेरा कितना नुकसान हुआ वो हम ही जानते हैं। मुझे पता नहीं दिया होगा, बदर कमीना आदमी देगा क्या किसी को? हम आपको वैलेट दिखा देंगे कितना मेरी आईडी पड़ा है, खाली इसलिए कि चलो भाई चल रहा है, खर्चा पानी भर का मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे मिल जाएगा। है मेरा कितना वैलेट नहीं मिला, मतलब जो लड़के रखे होंगे उनको 10-15 हजार रुपये सैलरी देते होंगे, लेकिन बिना सैलरी के 17-18 घंटा काम किया मैंने, जाग के साला। हैं और आज उसी सर्विस देने का नतीजा आज हम पूरे इंडिया में हाईलाइट हो गए। हाँ, वो या तो या तो मेरे कंधे के ऊपर बंदूक रख के उसने चलाया है, तो उसकी प्लानिंग थी कि हम हाईलाइट नहीं होंगे, रियाज नहीं है भाई। हर जगह कहाँ से बात की, कितने लीडरों से बात करते थे? किसी से लीडर से बात नहीं किया ना, जो मीटिंग किया ना कुछ किया, हम इनको सामने रख दिया। ये तो भाई बिल्कुल सही बात है। अब कुल मिला के सर जी कल लेना पड़ेगा कुछ लीगल एक्शन, क्योंकि कल के बाद जो है लोग रुकेंगे नहीं। नहीं रुकेंगे नहीं सर, आप भी आपको भी फ्रंट पे आ जाना चाहिए, लीडरों के साथ हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूं हम लीडर भाई, मेरे हम तो सबके साथ रही है। आपको लीडर के साथ हो जाना चाहिए। अच्छा मुझे तो दुख इस बात का है कि मैं जब भी ट्राई किया तो आपका स्विच ऑफ जाता है,
मुझसे बातें नहीं हो पा रही है। इस तरह से फोन आ रहा है सर जी, इस तरह से फोन आ रहा है, इतनी गंदी गंदी गाली लोग दे रहे हैं। गाली क्या, व्हाट्सएप पे गालियां चल रही हैं? हाँ, इतनी गंदी गंदी इस तरह से फोन आ रहा, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। लेकिन सर एक बार कम से कम देखे, यहीं से जो माहौल इतना गर्माया, लखनऊ के लोग हैं, तमाम पत्रकार बंधु है, एक पीसी उपाध्याय है ना, वो आके बैठ गए, लीडरों के ऊपर FIR करने की बात होने लगी। बीच में मैंने आपको बताया था प्रतापगढ़ से लोग आए थे, किसी तरीके से मैनेज करके 2-4 हजार खिला पिला के मैनेज करके मैंने यहाँ से लोगों को भेज दिया था, है ना। वो हम ही को टारगेट बना आए थे अम्बेडकर नगर का सीवियर करना है, ये 2 महीना पहले बात है, लगभग 1.5-2 महीना पहले बात है ना, तो ये पिछले महीने की बात है। तो वो एडजस्टमेंट करके चले गए। दोस्त हमको ही इस बात का है कि सर जब भी मैंने ट्राई किया आपका स्विच गया, आप गया, और आप भी एक दिन बाद नहीं फोन करके पूछ कर बता पा रहे हैं कि स्थिति क्या है। हम आपको असल में आपका भी हमने एक दो बार ट्राई किया, 94 वाला नंबर लगा नहीं, तो हम राम अभिलाष जी से ही बात किए। हाँ, राम अभिलाष जी से केवल बात हो पा रही है, मुझसे कोई बात नहीं हो पा रही है। हाँ, तो हमने काफी नंबर दिए, राम जी से भी बात नहीं हो पा रही। अब यहाँ भी वही ऊर्जा आ गई लोगों में, जब लोगों के ऊपर प्रेशर बनने लगा तो इन लोगों ने लीगल नोटिस एक जारी करवाया है। अब लीगल नोटिस का अगर जवाब नहीं आ जाता है, ये जवाब नहीं दे देते हैं, है ना, 156(3) के तहत सीधे मुकदमा पंजीकृत होगा, और मुकदमा जब पंजीकृत हो जाएगा तो मामला बहुत बुरा होगा, फिर ये कंपनी का चलाएंगे, भगवान है मालिक है। अभी तो यहाँ लोग ये भी प्रेशर बना रहे, चलो 10-20-25-50 बोलोरो बुक करो सारे, चलो बेटी उसका घर घेर लिया जाए, है ना। अच्छा, समस्या इस बात का है कि वहाँ वो जो जहाँ घर है वो पता ही नहीं किसी को कहाँ है। नहीं, घर तो उसका पता है, गांव का। अरे गांव का पता है ना, वहाँ वाला जहाँ रह रहा है, गांव में कहाँ रह रहा है? नहीं, गांव में नहीं रह रहा, लेकिन जब गांव पे प्रेशर बनेगा, है ना, तो लोक लाज सामाजिक डर से उनको आना पड़ेगा, सब कुछ संपत्तियाँ छीन हो जाएंगी, वो गाड़ी घोड़ा जो खड़ा बहना दुनिया भर है ना, जब उनके बाप उठा ले, उनके भाई उठा ले, तो कहाँ जाइए, वो सबको छोड़ भाग जाएंगे। और भाई नागेंद्र सिंह ने अपने नाम से खाता संचालित किया है, किसी फर्म के नाम साला खाता ही नहीं है, ये तो यही फंस जाएगा। भाई अगर मल्टी प्रोडक्ट ऑनलाइन सर्विस के नाम से कोई अकाउंट होता है, किसी फर्म के नाम होता, फर्म तो दिवालिया हो सकती है, फर्म दिवालिया हो सकती है, वो बच जाता, लेकिन ये तो बचेगा ही नहीं, ये तो 100% नागेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से खाता संचालित हुआ है, कोई फर्म का इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। अगर फर्म बनाए होते, है ना, अब GST PST बनवा क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब जो बनवाए उसका बनाने कोई मतलब थोड़ी है। अगर रेनुअल तो दे दें, अभी रेनुअल दे दें, है ना, बिडाल भले 10 दिन रोक लें, लेकिन रेनुअल दे दें, लीडरों का प्रेशर तो खत्म हो जाए। हर लीडर फीड में गाली सुन रहा है, है ना। अरे एकदम वाला है, 50,000 का रेनुअल मैं अपने पास से करा चुका हूँ सर, टीम का, है ना, इतने इतने प्रेशर बनते कैसे। अच्छा, अच्छे अच्छे लोग भी तो आ गए थे, कई पत्रकार आ गए, जिला पंचायत सदस्य आ गए हैं, है ना, लोग प्रेशर बनाते हैं, तो प्रेशर तो हमें लोग फेस करना पड़ा सर। सर एक निवेदन है आपसे जी, आप जो है 4-5 लोग जो है कल लखनऊ आ जाइए 11 बजे तक। लखनऊ? हाँ, लखनऊ हाई कोर्ट से जो भी करना है, और सुल्तानपुर के लीडर आ रहे लखनऊ, और जो है लखनऊ के लीडर है। देखिए सर, हाई कोर्ट का मैटर अलग है, है ना, हमारा जो मैटर होता है संबंधित न्यायालय में ही मुकदमा पंजित किया जाए, जो बाइलाज गाइडलाइन बोलती है, ये जहाँ के हैं जहाँ के घर के हैं, है ना। अच्छा, अगर इस न्यायालय से होगा, इस न्यायालय से होगा, तो इनके ऑफिस का एड्रेस पता तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन घर का पता तो है ना। तो अगर घर के पते पे यहाँ इनके जो किया जा रहा है वो ज्यादा बेहतर है, हाईकोर्ट का मैटर ज्यादा गड़बड़ होगा, है ना। उक्त विवाद जो भी होते आप जान ही रहे हैं कि संबंधित न्यायालय में जो है विवाद दायर किया जाएगा, है ना, हर गाइडलाइन होती है, तो संबंधित न्यायालय इनका अकबरपुर है, है? तो हाई कोर्ट से बेहतर है कि सारे लोग यहीं से आके फेल है ना, तो वहीं आएगा फिर, और क्या। इसी न्यायालय में जितने लीडर हैं, अगर देखिए सर, आप भी अपनी पीठ बचा लीजिए, लीडरों के साथ आ जाइए। अरे सर, हम साथ में है, आके आ जाए सर, हम तो लीडर के साथ में है ही है, हम लीडर के साथ में है सर, हम रही अभी बताइए, हम अभी तक ये क्या है, लीडर के साथ नहीं तो क्या किए बताइए। नहीं, वो तो है ही है सर, वो तो है ही है, है? अब यही मैं देख रहा हूँ, अम्बेडकर नगर में ही है ना, एक लीडर है जिसको 2,000-4,000 रुपए ढेरी भेज देते हैं, अभी कल भी मेरे संज्ञान में 5,000 रुपए भेज दिए, लो भाई करा लो। इसको अरे कुबेर को, कुबेर को, ये चूंकि कुबेर 2 बार इनके साथ रहा है ना, आपको तो मैंने बताया था, 2 बार इनके साथ, जो 2 बार लूटे, दोनों बार लायबिलिटी झेला है, आज फिर झेल रहा है, उसके घर लोग पहुंच जा रहे हैं, है ना, उसके घर पहुंच जा रहे हैं, कल
कल मेरे यहाँ कुबेर पहुंच गया था घर पे, कहा भैया कुछ मदद कर दीजिए नहीं मार खा जाऊंगा, है ना। तो जो मुझसे हो सका 1,500 रुपया मैंने उसको दिया। फिलहाल शाम को जो है 5,000 रुपया उसके खाते में आया, तो उसने तुरंत जो है लोगों का जितना हो सकता मैक्सिमम रिचार्ज कराया है। तो ये तो कुत्ता बना के रख दिया सबको ना, अरे एकदम परेशान कर दिया। अच्छा ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं, अगर कंपनी कहीं लॉस में जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। साले के पास इतना पैसा है ना, बौरा गया पैसा देख के है। ससुर दूर ट्रैक्टर खरीदे तुम्हें कौन जरूरत रहा है, नोएडा मकान बनाओ कौन जरूरत है, इतना खूबसूरत घर बना ही लेला, एरिया बढ़िया ठाकुर हो ही गया लाला है। कितना पेमेंट देवे ग्राहक के, लेकिन जो पैसा इन्होंने उठा के हारी हारी खर्च कर डाले, अगर एक पुलिस वाला गांव में चला गया ना तो पूरा गौवा का अगल बगल वाले लोग कहे साहब लूट के लाए भाई, सारे वही गांव के लोग गवाही देंगे, इनके विरुद्ध हो जाएंगे सब, कोई पक्ष में नहीं खड़ा होने वाला सब, आप समझिएगा। मैं तो यही कहूंगा हाईकोर्ट जाने से बेहतर है ना, संबंधित न्यायालय में ही सब लोग आए। अच्छा है ना, साइबर क्राइम बोल रहे थे यहाँ मनोहर है लखनऊ में, तो जो विश्वास ट्रेडिंग वाला अभी एक हुआ नहीं, विश्वास ट्रेडिंग है कंपनी का, तो अभी ये लोग किए हैं, तो साइबर क्राइम कह रहे हैं इसमें करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। साइबर क्राइम में भी ठोक दीजिए, हाँ आप लोग वहाँ से ठोक दीजिए, हम लोग यहाँ से ठोकते हैं, पटना बिहार वाले अपने वहाँ से ठोके, जगह जगह से ठोकाई हुई है, सारे लीडरों को यही बताइए सर, जगह जगह से ठोकाई हुई, वायरल हो सब। अरे गुरु जी हमको बचा रही हो, वाला एप्लीकेशन मेरा नाम भी लिखा है, अरे नाम रियाज है, मेरा नाम लिखा है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन मिली क्या आपको? अरे वो सुल्तान पुराल ग्रुप ने हमको भेजा। अच्छा हाँ कि सर जी तो आपके नाम से लोग कर रहे हैं। अरे सर जी आपको एक बार कम से कम थोड़ा से जो है सर जी आपको बताएं, ये सारी कहानी जो बनी है ना, वो कहानी में मैं कहीं से जो इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, ये भी आप जानिए, ये कहानी बनाने वाले लखनऊ वाले लोग आए। अरे बिना ये कहानी बनाने वाले लखनऊ के लोग आए थे, बिना आपके राय के थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा, नहीं ऐसा आप ये जान लीजिए, मैं आपको जब हम राम जी भाई गए थे मैं क्या आपसे बोल के क्या सर बताइए, लेकिन राम और इतना आपको इतना भरोसा भी है कि मैं जो कहता हूँ उस पर खरा उतरता हूँ, लेकिन जहाँ मास आ जाएगा ना, मास को एक व्यक्तिगत आदमी नहीं रोक सकता सर, मास को व्यक्तिगत आदमी रोकेगा नहीं, जैसे हम आपके साथ हैं ना सर, हम फील्ड के साथ हैं, हम अब कैसे साथ हैं, राम अभिलाष से आपकी राम अभिलाष बता रहे थे, मेरी बात हो रही थी कि आप आ जाइए अकबरपुर, आ जाइए अकबरपुर, आप इग्नोर करते रहे। अच्छा इग्नोर कहाँ से कर रहे हैं हम, इधर दिल्ली पहले हमने कहा कि इनसे मिल ले दिल्ली, हम परसों के निकले हैं दिल्ली, इतना ज्यादा लोड दे दिया है फोन पे, इतना ज्यादा फोन आ रहा है कि मजबूरी हमको बंद करना ही पड़ जाता है। सर एक बार जब राम अभिलाष से आपकी बात हो रही थी सारी चीजों पर बिंदुओं पे है, मान लीजिए एक बार आपको आपको हमको भी कन्वर्ट कर देना चाहिए ना, कन्वे कि भाई राम अभिलाष क्या मैसेज आ रहा है, श्रीराम जी क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, असल में दो दिन हम कैसे धक्का खा के गए, धक्का खा के आए हैं, कुछ भी था एक बार अगर इंगित करते हमको, है ना, ये 5-7 दिन पहले के लोग प्लानिंग कर रहे थे। अब हम तो ये जान रहे ना सर जी, जो भी होना है 12 तारीख के बाद होगा, जैसे जो पूरे इंडिया में लोग 12 तारीख तक वेट कर रहे हैं, जो भी एक्शन लेंगे 12 तारीख के बाद लेंगे, तो हम सोचे एक बार हमसे कंसल्ट तो करेंगे ना सब लोग हैं। अब ये हुआ क्या है कि जब पता लगा कि कन्हैया तिवारी के घर कोई पहुंच गया नौसभिया है, अब हम तोहरे खिलाफ FIR करब, राम अभिलाष के चांपल तोहरे खिलाफ FIR कर, राम जीत के लगे फोन आ तोहरे खिलाफ FIR करब, तो ये लोग अपनी पीठ बचाने के चक्कर में अगर पीठ ना बचाते है ना, और उस लीगल नोटिस का कोई अभी बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, मेरी बात सुनिए सर, लीगल नोटिस का जो गई है उसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, वैल्यू तब होगी जब 156(3) के तहत रगड़ दिए जाएंगे, वो तो एक लीगल नोटिस दी गई है कोर्ट फीस जमा करके, वो तो अभी उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो तो समाप्त हो सकता है, और मैंने आपको उस समय भी कहा था जब आपने इशारा किया मुझको है ना कि सर कंपनी चले वेलेगी नहीं लगेगी, कंपनी किनारे हो जाने में भी वाला ही है ना, याद है आपको? हमको याद है सर, याद है ना, और उस समय हमने क्या कहा था सर, तो ये चीजें हैं सर, अब कहने का मतलब है कि लोग अपनी पीठ बचाने के लिए एक लीगल नोटिस का सहारा लिए और सहारा लेकर के उसको वायरल कर दिए है ना, तो भाई मेरे ऊपर क्यों आ रहे हो, मैं तो कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है,
अगर ये एक्शन ले आओ, मैंने एक चीज उस दिन कहा था, आपको याद होगा कि सर अगर कंपनियां बंद करने से पहले लीडरों को ये सहेज लें, लीडरों को सहेज ले, अगर लीडरों का है क्योंकि 50,000 के 40,000 के 50,000 पैसा फंसा हुआ है, लीडरों का अगर ये पेमेंट दे होते तो लीडर जो है फील्ड को किसी तरह मैनेज कर लेते, करते नहीं करते भाई, मैंने अपने पैसे से रिचार्ज करते, मैं अपने पैसे से रिचार्ज करते, कुछ बहुत इमरजेंसी था, सर पेमेंट भी रोक के बैठ गए। मैंने आपको इशारा किया था कि लीडरों को अगर नहीं हैंडल करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ये मैंने आपको इंगित किया था सर, याद होगा। तो हर तरीके से यही सब तो अब आपको बताएं कि पंद्रह सेकंड बात करते हैं, रुकिए भी हम गाड़ी चला रहे थोड़ी देर फोन कर, यही तो आदत नहीं आता, यही आदत नहीं आता है। फिर कॉल बैक करो, अभी हम पहुंच के आपको फोन करते हैं, 15 सेकंड 20 सेकंड आधा मिनट से ज्यादा बात ही नहीं किए कभी हमसे, किसी से नहीं करते करते हैं, अभी करते हैं किसी से नहीं बात करते सारा जो है इस तरह का। चलिए सर अगर बात होती है तो ठीक है सर, है ना, नहीं तो लोगों का कदम अब घर से बाहर हो चुका है, वो बैक तो होगा नहीं, है ना, वो अब बैक तो होगा नहीं, जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिया गेम आगे बढ़ गया है, वो बैक नहीं होगा, वो उसी दशा में बैक हो सकता है कि पंकज जी स्वयं आए और चीजों को समाधान कर लें, है ना, और केवल लीडरों को मैनेज कर लें तो अपने आप मैनेज हो जाएगा, अगर लीडर को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो ये भी गलती कर रहे हैं, और इतने भर के हैं वो खाता फाता उनका कुछ ना सीज, भाई आपको बता दूं ना कोई और कोई खाता जिसका साले सीज हो जाएगा ना, वो सालों साल लग जाता है, फिर उसको विदाउट कोर्ट के आदेश के खाता सील जो हो जाए खुलेगा, बिना कोर्ट के आदेश के खाता खुलेगा सर। इनका भी वीडियो एक आया था कि अरे वो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत थी, ऑफिस नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, वो सब खाता वाता खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, खाता वाता कहीं कुछ फ्रीज नहीं है, नाटकबाजी कर रहे हैं कि लोगों को भुलवा देंगे, टाइम पास करके दो बार टाइम पास करवाएं, तीसरी बार भी टाइम पास कर लेंगे, है ना, यही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन अब टाइम पास वाला मामला रह नहीं गया क्योंकि लोगों के कदम घर से बाहर हो चुके हैं, अब वापस कैसे जाएंगे, वो तो रिटर्न में हो गया ना सर, तो प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गई, है ना। आज तो इसलिए मैं कहूंगा कि जितने लीडर जहाँ जहाँ हैं, है ना, वो सब संबंधित न्यायालय में जो अपने मुकदमा दायर कर दें, है ना, और नाइन्थ साहब चलिए हमें अकबरपुर लीडर अकबरपुर की कोर्ट से होम डिस्ट्रिक्ट की है ना, तो होम डिस्ट्रिक्ट में उनके जो है मुकदमा दायर किया जाए, होम डिस्ट्रिक्ट की उनकी पारी प्रॉपर्टी सब कुछ लीगल नीलाम हो जाएगी, घर द्वार उनके नीलाम करे, उनके बाप नीलाम करे, चला जाइए अंदर महातारी का, है ना, तो हाई कोर्ट चले जाएंगे, वहाँ तारीख पे तारीख पड़ेगी, कोई मतलब नहीं है यहाँ से, है ना। और आप जो है, मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा, आप स्वयं चले आइए अकबरपुर, है ना, ठीक है, अपने आप को सेव करिए सर, है ना, ठीक सर, ठीक सर, ठीक ओके। हेलो, हाँ, अब देखिए यही सब है मामला, आप जानिए, अब ऐसा नहीं है खाली हम जानबूझ के किए हैं, प्रेशर लखनऊ से ही आया है, आप समझिए ज्यादा जो बड़ा प्रेशर आया है वो लखनऊ से आया, किसी तरह से सबको मैनेज किया जा रहा था, लेकिन झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ कितना बताया जाएगा, आप बताइए। वही तो अब बता तो रहे, सबर की सीमा पार हो गई लोग, लेकिन जिस समय से आपसे बात चल रही है, आज जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इसके पहले अगर इसी तरह से बात किए होते, अरे भैया, तो ये सब जो हो रहा है अभी जान रहे हैं, जो लीगल नोटिस में, जो लीगल नोटिस, मेरी बात सुन लीजिए, जैसे अगला आदमी जब 12 तारीख का टाइम लिया है तो उसको उतना तो टाइम दो ना। अरे टाइम तो दिया, वो तारीख 15 ले लेंगे, 12 से 20 ले लेंगे, तो उतना टाइम दो ना, ये कोई उत्तर है आपका, बताइए हमको। नहीं, जिसे जैसे 5 तारीख को कहे थे वो नहीं हुआ, तो 12 तारीख उन्होंने कहा 12 तारीख के बाद तो पूरी इंडिया से हो जाएगा, हम खुद करेंगे, पूरी इंडिया से लोग करेंगे, लेकिन 12 तारीख तक तो देखना पड़ेगा ना। नहीं तो अभी क्या चाह रहे हैं, 12 तारीख तक देखा जाए, अब क्या देखेंगे, अब जब फोन ही नहीं उनका लग रहा है, अब उसको जवाब कौन देगा, कल से उनका फोन बंद है, अब देखना क्या है इसमें। नहीं, यहाँ से जो होम डिस्ट्रिक्ट से जो किया है, जैसे लीडरों ने जो काम किया है, इसमें आपका नाम डाला गया है, तो ये जो फोनवा पे बतिया रहे हैं ना, इतने से बात नहीं बनने वाली, हमने आपको उस दिन भी बोला था कि एक बता करके और इस तरह से आइए कि जैसे लोग गुस्साए तो है ही है, आप फोन पर सुन ही रहे हैं, तो जैसे वो कुछ ऐसा हादसा आपके साथ ना होगा, उतने ही लोग उसमें सेलेक्ट लोग रहेंगे जो स्थिति को मैनेज कर सके, जैसे आपके ऊपर कोई हाथ थोड़े ना उठा देगा, तो अगर अभी हल्ला बोल के आएंगे, जैसे हल्ला बोल के आएंगे ना,
तो कोई रोक नहीं पाएगा। शिवराम वर्मा क्या, शिवराम वर्मा के बाप आ जाए तब भी नहीं कोई रोक पाएगा। पब्लिक आप जान ही रहे हैं ना, फील्ड वर्क किए, पब्लिक को कौन रोक सकता है, आप सोचिए। तो जो उस टाइप के लोग होंगे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा। अब आप लोग अब जैसा कहेंगे वैसा हम कर पाएंगे। अब आप लोग जब बताएंगे, जब बताएंगे तब हम आएंगे। जैसे अभी आपने लखनऊ की बात किया तो लखनऊ का अभी कोई मतलब नहीं, जैसे सर जी बोल रहे हैं लखनऊ जाने कोई मतलब नहीं है। लखनऊ से जिनको करना वो लखनऊ से करेगा। और लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ से, जैसे हम लोगों का इंतजार कर रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अब भी उनका सवेरा है, जो लीगल नोटिस भेजा गया हमें, तब भी बोल रहा था कि हम लोग ये सब निरस्त करवा देंगे, वापस ले लेंगे, किसी कुछ नहीं होगा, और रेनुअलवत कर दें। रेनुअल नहीं किए थे, बिडाल देखिए, सुनिए, 20,000 मेरा बिडाल है, 20,000 बिडाल मेरी एक आईडी पर है। अगर मैं 20,000 का बिडाल मारता छांट छांट के उसमें से, लोगों की स्थिति कुछ कंट्रोल होती कि नहीं होती? सही बात है, और क्या है, सही बात। तो यही करवा दीजिए कम से कम। भैया मेरे जब बात ही नहीं हो रही, नंबर उनका कल से बंद है। हम गए तो इसीलिए थे कि कुछ हल हल निकाल के आएंगे, लेकिन हल निकालने का पता नहीं क्या वो गेम सेट किए, फोन फर्जी फोन करवाए कि सही में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब ये जो पुलिस वाला मामला आप बता रहे हैं ना, ये भी किसी पल्ले थोड़े पड़ रहा है, ये भी रंग है भाई। हो सकता है रंग हो, उनकी प्लानिंग हो, हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि वो सही हैं। सही होते तो आज ये नौबत थोड़ी ना आती, इस नौबत में लिया है। चलो ठीक ठीक ठीक। चलिए लोग जा रहे हैं, अब मुसीबत तो बड़ी है, आप उन्हें खड़ी कर दिया, अब क्या बताएं। जैसे अभी भी लोग वेट कर रहे हैं ना, अभी भी लोग वेट कर रहे हैं। चलिए, और आपका फोन आया है तो इसके बीच में कितने लोगों का फोन आया, हमके बात हो रही है सर जी से, अभी देखिए कुछ उसका रास्ता बनेगा। अब क्या बताना पड़ेगा हमको, बताइए। रिया सर बोले हैं जो है 12 तारीख के बाद कुछ किया जाएगा, ऐसा बोल रहे क्या, बताइए। हेलो हेलो, क्या हम बोलने सुनी मतलब है, जो सारे लीडर्स जो राय करें वो हम सब लीडर के साथ हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम अब हमारा उनका कोई ऐसा नहीं कि जो उनके उनका हमको उनके फेवर में है या उनका हमको जो कोई वो मतलब है, क्योंकि हम भी एज ए लीडर काम किए हैं, बस जिम्मेदारी से काम किए, तो आज हम इतना परेशान हैं। हम लीडर के साथ में पहले भी थे, आज आप जिम्मेदारी से फोन काम किए उतना परेशान है, तो टीम में वही काम हमने किया कि सारे लोगों का कंप्लेन 10,000 लोगों का मेरे फोन से गुजरा है आपके। नहीं वो तो जान ही रहे हैं, तो सब तो लोग जो है, अगर, 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 अगर हमारी ज्यादा बड़ी टीम नहीं, लेकिन 10,000 लोग भी माने रख रहे हैं। अरे बहुत माने रखते हैं, तो 10,000 लोग जो है मुझसे जवाब सवाल रोज कर रहे हैं ना कि क्या हुआ। तो मैं तो कुल मिला के बोलिए, देखिए जो 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 चीज जो जो मिला है वही बोलिए कि कल उनको उनका वॉइस रिकॉर्डिंग हम आपको भेज दे रहे हैं, और उनका कल से नंबर बंद है। अब उनके जो टाइम दिए थे वो पूरा हो गया, अब रियाज सर भी या पूरे इंडिया से उनके ऊपर अब केस होगा, और रियाज सर हमारे साथ हैं, उनके साथ में हम आप लोग के साथ में, हम पूरे सबके साथ में हम उनसे क्या मतलब है, हमें अपने फील्ड के लोगों से मतलब है। चलिए ठीक है भैया, सब गुस्सा रहे हैं, कह रहे हैं रहने दीजिए, अब बात करने के लिए बहुत बात हो गई है, जिंदगी भर बीत गई बात करने के लिए। आप कह रहे हैं पता नहीं है सीएमडी का, अभी आपको एक ऑडियो भेज रहे हैं, वीडियो यूट्यूब पर लाइव हो रहा है, आपको मिला है कि नहीं मिला? ना नहीं मिला तो अभी भेज दे रहे हैं, देखिए पूरे हिंदुस्तान में लाइव हो रहा है वीडियो, और उनके घर तक जाने का रास्ता उस पे बता रहा मीडिया वाला, समझ रहे ना। और ये वेस्ट बंगाल से बना हुआ वीडियो है, वेस्ट बंगाल से नहीं, तो गांव का रास्ता बता रहा है कि फरीदाबाद का बता रहा है वो? अरे आप काहे घबरा रहे हैं ना, वो सीएमडी का रास्ता बता रहा है आपके घर का? नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, जैसे उनके फरीदाबाद वाले घर का रास्ता बता रहा है कि गांव वाले घर का रास्ता बता रहा है। फरीदाबाद में तो कुछ है ही नहीं है, तो रांग है, जो ऑफिस ऑफिस बनाए थे और रांग है ना, वहाँ कुछ है नहीं।
आपने बात किया उनसे? उन्हें बंदे कहाँ बात कर लेंगे? तो ले दो मिनट इन्होंस बतला ले ना थोड़ा यार, ले बतिया नहीं करी, चला जा, चलिए अब वो जब पहले नहीं आप बात किए तब बातें नहीं करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक, चलिए ठीक है, सबका गुस्सा आपने बढ़ा दिया, ठीक। तो दोस्तों अगर आप लोग इस कॉल रिकॉर्डिंग को अगर पूरा सुने होंगे तो आपको पूरा अगर टॉपिक हर एक मेन टॉपिक समझ आ गई होगी कि अब आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर अच्छा सा कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों आपको अगर कोई राय या कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट हमको मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दे सकूँ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।